नमस्ते बच्चों बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल पर पाँचवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो कक्षा सातवीं विषय हिंदी कविता का नाम है बंदर का धंधा इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल जी इनका जन्म 21 अक्टूबर उन्नीस पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतमाला गीत गंगा गीत सागर झूला झूले चिंची चिड़िया आदि उनका परिचय है नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों के द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है इस कविता में बंदर एक डॉक्टर है और पेशेंट के रूप में भालू बिल्ली लोमडी बीमारी रूपी समस्या लेकर उसके पास आ रहे हैं बंदर ने पेड़ के नीचे अपना दवाखाना खोला है तो चलो बच्चों बंदर जड़ी बूटियों के बारे में क्या कहता है ये हम कविता के माध्यम से जानते हैं हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लडाला आलायने डॉक्टर का टेथोस्कोप जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा टेथोस्कोप मिल गया वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया डॉक्टर बंदर का पहला पेशेंट कौन है भालू भालू क्या बोलता है भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना जुकाम मैंने सर्दी थाम मैंने पकड़कर छू मंतरिया ने गायब सबसे पहले एक भालू आया और बोला मुझे खांसी और जुकाम बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना है जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी तुम फीस मुझे देना डॉक्टर बंदर का दूसरा पेशेंट है बिल्ली बिल्ली क्या बोलती है बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार बंदर बोला रस गिलोई का तीन बार तुम पीना कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना गिलोय यानी एक प्रकार की जड़ी एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं बंदर बोला तुम दिन में तीन बार गिलोय का रस पीना तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी चाहो कल से ही तुम डांस कर सकोगी डॉक्टर बंदर का अगला पेशेंट है लोमडी लोमडी क्या बोलती है तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ बंदर बोला घी कुवर तुम दोनों समय लगाओ चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ बुटिया ने व नौषधि घी कुवर यानि एक प्रकार की बुटी कुंदन याने सोना तभी एक लोमडी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूँ बंदर ने कहा तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुवार लगाओ तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा तभी तुम मुझे फीस देना चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता मोजाने प्रसन्नता इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी वह जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मनाता इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है यह कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही साथ ही मनोरंजक भी है